हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुजिको या फुजियो यानी डोरेमोन के क्रिएटर के बारे में। एंड इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड वीडियो के लास्ट में मैं डोरेमोन के रिलेटेड आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग नाउ बिगिन द वीडियो। डोरेमोन को दो क्रिएटर्स ने मिलकर बनाया था जिनका नाम था हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे एंड दोनों बहुत ही अच्छे पार्टनर भी थे। दोनों साथ में मिलकर मांगा लेते थे एंड उन्होंने अपना सारा बचपन एक साथ ही बिताया था। आज इस वीडियो में हम इन दोनों महान क्रिएटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारा बचपन इतना अच्छा बना दिया था एंड आज भी हमको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटो अबिको जब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने जाते थे वहाँ पर वह मिले थे हिरोशी फुजिमोटो के साथ। उन्होंने हिरोशी फुजिमोटो की नोटबुक के ऊपर एक ड्राइंग देखी थी जो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी एंड मोटो अबिको ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। ऐसे ही वह बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए एंड उन्होंने अपनी दोस्ती बनाई रखी। ओसामू तेज़ुकू जो कि जापान के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मंगाका हैं, मंगाका मतलब मंगा राइटर, इन्होंने बहुत ही अच्छी कॉमिक्स लिखी थी। एंड जो फुजिको या फुजियो थे, हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको, इनके वर्क से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे एंड इन दोनों ने भी सोचा था कि हम भी मंगास को लिखेंगे और पॉपुलर होंगे। ऐसे ही उन्होंने एक बहुत ही मंगास लिख डाली एंड अनफॉर्चुनेटली एक मंगा उनमें से पॉपुलर हो गई एंड इसके ऊपर एक टीवी शो भी चलाया गया था जो ज़्यादा समय तक नहीं चला था लेकिन पॉपुलर बहुत हो गए थे ये। हाई स्कूल में उनको सामू तेज़ुकू मतलब अपने इंस्पिरेशन से मिलने का मौका मिल गया। जब मोटो अबिको हिरोशी फुजिमोटो हाई स्कूल में थे लकीली उनको सामू तेज़ुकू मतलब अपने इंस्पिरेशन से मिलने का मौका मिल गया था एंड उन्होंने अपना आर्ट वर्क सामू तेज़ुकू को बताया और सामू तेज़ुकू ने उनकी सारी की सारी आर्ट देखी एंड उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। फुजिको या फुजियो की सक्सेस के बाद सामू तेज़ुकू ने बताया कि हाँ मुझे पता था ये दोनों बहुत ही आगे जाएंगे। स्कूल ख़त्म होने के बाद मोटो अबिको और हिरोशी फुजिमोटो दोनों अलग अलग चले गए जॉब के लिए एंड एक दिन हिरोशी फुजिमोटो के हाथ में चोट लग गई जिसकी वजह से उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी एंड वे घर पर रहने लग गए। घर पर रहते रहते वे बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे एंड उन्होंने सोचा कि वे दोबारा से मांगा लिखनी स्टार्ट कर देंगे और छुट्टी के दिन उनके दोस्त मोटो अबिको उनकी मदद कर देते थे मांगा लिखने में। एट लास्ट उन्होंने सोचा कि ये कब तक चलेगा एंड उन्होंने टोक्यो शिफ्ट करने के लिए डिसाइड कर दिया था। 1963 में उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला था जिसका नाम रखा गया था स्टूडियो जीरो। उन्होंने अपना फर्स्ट एनिमे लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था एस्ट्रो बॉय जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। मोटो अबिको ने 1966 में 32 साल की उम्र में शादी कर ली थी। 32 साल की उम्र में वाव। हिरोशी फुजिमोटो ने डिसाइड किया कि वह एक टाइटल के ऊपर काम करेंगे जो कि चिल्ड्रंस का इंटरेस्ट साइंस में जगाएगा एंड हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको ने साथ मिलकर 1969 में डोरेमोन को बनाया। डोरेमोन उनका फर्स्ट एनिमे था जो कि इंग्लिश कंट्रीज में भी डब किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको ने 40 साल एक साथ काम किया एंड उन्होंने परमानेंट निंजा हथौड़ी और कितरेतु जैसी सीरीज लिख डाली जो कि सुपर सुपर से भी ऊपर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई एंड वह इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए एंड जापान में उन्होंने अपना एक नाम बना लिया था। कुछ हर्ट डिसीजेज और लीवर कैंसर की वजह से हिरोशी फुजिमोटो की डेथ हो गई थी 1966 में। एंड रही बात मोटो अबिको की जो कि डोरेमोन के को क्रिएटर हैं, वह अभी तक जिंदा हैं एंड उनका बर्थ हुआ था 1934 में। वाओ, लेजेंड्स नेवर डाई। नाउ द टाइम फॉर मेगा फैक्ट ऑफ दिस वीडियो, बट उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दिया भाई, गैस सिलेंडर कह दो उन्हें सब्सिडी नहीं होती वहाँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पर सेट कर लो क्योंकि आपको ऐसे ही जापानीज एनिमेशन और उसके साथ साथ अमेरिकन सीरीज, फ्रेंचाइज सीरीज और चाइनीज एनिमेशन के ऊपर भी वीडियोज मिलती रहेंगी। गाइस अगर बात की जाए डोरेमोन के फैक्ट्स की तो इनमें एक फैक्ट ये आता है कि जो सेवाशी और सेवाशी के मॉम और डैड हैं वे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिसकी वजह से वह एक कंपनी रिजेक्टेड रोबोट को ही ले सकते हैं जो कि है डोरेमोन। बट गाइस ये बात पूरी रॉन्ग है क्योंकि जो सेवाशी और सेवाशी के मॉम और डैड होते हैं वह डोरेमोन को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते थे एंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा डोरेमोन के एक एपिसोड में जिसका नाम है द बर्थ ऑफ डोरेमोन एंड ये डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड से डोरेमोन का ये वाला एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब डोरेमोन नोबिता से मिलता है वह एपिसोड है ये वाला एपिसोड द बर्थ ऑफ डोरेमोन। इस एपिसोड को आप हिंदी में देख सकते हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर आराम से मिल जाएगा। बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जापानीज लैंग्वेज में देखो विद द इंग्लिश सबटाइटल्स क्योंकि यार आपको पता है हिंदी डब में बहुत ही कुछ चेंज कर देते हैं। गाइस इस एपिसोड में आपको डोरेमोन के रिलेटेड बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा एंड इस एपिसोड की मेन बात यह है कि इसमें फुजिको या फुजियो का भी रेफरेंस हुआ है, तो उस एपिसोड को ज़रूर देखना अगर आप डोरेमोन के फ़ैन हैं तो। एंड अगर गाइस आपने मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक फॉलो नहीं किया तो मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके डाउट है वह मुझको आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्दी दे दूंगा।
सो मिलेंगे मेरी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।